टीम न्यूज डेस्क। और अब अपडेट ये है कि लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुरक्षा चूक मामले पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा है कि आज की घटना सभी के लिए चिंता का विषय है और इसी के चलते ये जो कार्यवाही है लोकसभा की कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा में जिस वक्त दो शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे, इसकी तस्वीर आपने देखी। संसद भवन के अंदर धुएं की तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में उत्पात मचाने की ये साजिश किस तरह से रची गई, क्या थी पूरी प्लानिंग, इसकी पुख्ता और पूरी रिपोर्ट अब आप देखिए। संसद भवन के अंदर धुआं, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पीले धुएं का गुबार, संसद भवन के बाहर भी धुआं ही धुआं। सवाल उठता है कि आखिर यह शख्स संसद के अंदर स्मोक स्टिक लेकर पहुंचे कैसे। इस सवाल का जवाब तो जांच में सामने आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो स्मोक स्टिक दिखाते हैं जिसे लेकर ये उत्पाती संसद भवन परिसर में दाखिल हुए। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है। इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। न्यूज नेशन के हाथ वो स्मोक स्टिक लगी जो इन युवकों ने संसद भवन में इस्तेमाल की। इस तरह के ऑब्जेक्ट को लेकर संसद के भीतर दाखिल होते हैं ये प्रदर्शनकारी और भीतर दाखिल होकर इसके वायर को पुल करके पूरा स्मोक जनरेट करते हैं, स्मोक क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ नए संसद भवन के परिसर में होता है, उस परिसर में जहां सांसद मौजूद हैं। जीरो आवर चल रहा है और जीरो आवर की कार्रवाई के दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाता है। संसद भवन के बाहर भी एक महिला ने स्मोक स्टिक के साथ प्रदर्शन किया। ये स्मोक स्टिक कैसी होती है, कहां बनी है और इसे कैसे इग्नाइट किया गया वो भी देखिए। आइए हम ठीक उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर स्मोक निकाला गया। इसके कलर को भी आप हमारे साथ देखिए और साथ ही स्मोक देखिए। यहां आप देखिए इस जगह को, ये दरअसल निकलने वाला स्मोक है जो आप देख रहे हैं। इससे वायर पुल जो किया गया उसके बाद ये स्मोक जनरेट हुआ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये संसद भवन के बाहर के गेट का दृश्य है। यही घटना संसद भवन के भीतर हुई, यही दृश्य संसद भवन के भीतर देखा गया। दो को देखते हैं, हम तो स्पीकर की तरफ ध्यान था, लेकिन जब उधर से कूदे हैं तो थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। हाँ। तो मैंने दो देख लिया था ऊपर से, लेकिन एक चल रहा था, एक पीछे बैठ गया। बैठ के उसने कुछ चीज पाया, कहां छुपाया होगा, वो निकाला। हाँ। तो निकाल के उसने फिर धुआं शुरू किया। तो मेरे ध्यान में था कि एक और है, तो फिर हमने उसको जाके पकड़ लिया और भी लोग आगे सिक्योरिटी वाले। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बाद भी ये शख्स संसद भवन में स्मोक स्टिक लेकर पहुंचा कैसे और अंदर दर्शक दीर्घा से वो नीचे कूद कैसे गए। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके। और क्या बोले, जंप करके आ रही है। मैम हैव यू सीन मैम, एक नहीं जाते थे, दो लोग थे, जंप करके आए और जहाँ कोई बैठते नहीं, गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपीए ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने, और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। तो कई एमपीए ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने, और फिर सिक्योरिटी वाले उसे उठा करके एक हेल्प के गए। शुरुआती जांच में ये बताया जा रहा है कि ये युवक संसद भवन में प्रदर्शन करने आए थे और पटाखे के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये स्मोक स्टिक खतरनाक भी साबित हो सकती है। दरअसल स्मोक क्रैकर एक तरह का हानिकारक पटाखा है जिसका इस्तेमाल उत्सव में किया जाता है। इसे इमरजेंसी के दौरान सिग्नल देने में इस्तेमाल भी किया जाता है। स्मोक क्रैकर से अगर छेड़छाड़ की जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की रैली में स्मोक बम से धमाका किया गया था जिसमें वो बाल बाल बचे थे। आमतौर पर स्मोक स्टिक जानलेवा नहीं होती, लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया तो ये घातक साबित हो सकती है। ये फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
किस तरह से यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखा रहे हैं उसी जगह को जहाँ पर दरअसल इस घटना को अंजाम बाहर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम देखिए किस तरह से दरअसल इस एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है, जो गैस इस्तेमाल किया गया है, उसको देखिए किस तरह से कॉटन के जरिए यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल संसद भवन में स्मोक स्टिक के साथ उत्पाद पहुंचाने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये साजिश कैसे और क्यों रची इसकी जांच चल रही है। संसद भवन से मधुरेंद्र कुमार और मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र के लातूर में आरोपी